सर 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 क्या कहेंगे, किस तरह की हालात है आपको? उनके लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके अटेंडेंट्स की तसल्ली के लिए, हम सब जो मेडिकल और पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके प्रोत्साहन के लिए उन्होंने ये दौरा किया। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से भी जितनी और भी फैसिलिटेशंस हैं वो तो जो मैक्सिमम पॉसिबल है हमेशा से दे ही रहे हैं, कोई कभी कोई कमी नहीं हमें महसूस हुई। तो उन्होंने ये दौरा किया है और बिल्कुल सांत्वना जताई है कि मरीज़ बिल्कुल, और मरीज़ों ने भी बताया कि वो तसल्ली में है, जो भी उनका इलाज और मैनेजमेंट यहाँ पे चल रही है। तो एक पेशेंट के परिवार ने आरोप लगा है कि उनका सही प्रॉपर तरीके से उनका यहाँ पे इलाज नहीं किया जा रहा है। मीडिया में आपकी तरह की शिकायत की जो है वो, उनके जो बिल्कुल इमीडिएट रिलेटिव्स हैं और अटेंडेंट्स हैं उनसे मैंने बात की, उन्होंने ऐसा कुछ मेरे को सांत्वना की कमी है ऐसा कुछ नहीं बताया। तीन मरीजों की तो जैसे आप कह सकते हैं कि मौत के मुंह से निकल के आए हैं, और हमारे डॉक्टरों की मेहनत भी बड़ी रही और ऊपर वाले का भी इसमें धन्यवाद करेंगे हम। प्रिंस अभी क्रिटिकल हैं और जब वो आई ही थे तो वो रिकॉर्डेबल बीपी और पल्स था नहीं, और घंटे बाद उनका कार्डियक अरेस्ट हो गया था। मैम एक 6 साल की बच्ची भी है उसकी भी, 6 साल की बच्ची को भी, वो भी बड़ी अच्छा उसका रहा कि वो टाइम पे आ गई और सर्जन ने रात भर मेहनत की। उसके पेट में 3 जगह गोली लगी थी अंतड़ियों में, वक्त रहते वो संभल गया केस, तो वो बच्ची बिल्कुल ठीक है, रिकवर हो रही है। जो सारे मरीज़ हैं वो मौत के मुंह से निकल के आए हैं। प्रिंस के लिए भी आप सारे दुआएं करिए।